असलकुम वेलकम बैक टू माई चैनल कुकबुक आज की हमारी रेसिपी है चॉकलेट बंस न्यूटेला चॉकलेट बंस सबसे पहले हम लेंगे तीन खाने के चम्मच चीनी एक चाय का चम्मच ईस्ट ड्राई ईस्ट हाफ कप मिल्क लेंगे नीम गरम. और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और थोड़ी देर के लिए इसे हम छोड़ देंगे रूम टेम्परेचर पर ही एक अंडा लेंगे उसमें डालेंगे एक चुटकी येलो फूड कलर और उसको भी अच्छी तरह से फेट लेंगे दो कप मैदा लेंगे और एक चाय का चम्मच बेकिंग पाउडर और इसको हम छान लेंगे एक चाय का चम्मच डालेंगे इसमें वनीला पाउडर अगर आपके पास वनीला पाउडर नहीं है तो आप दो बना नीट करते हुए गूंढते हुए आप इसमें वनीला एसेंस भी डाल सकते हैं उसके बाद जो मैंने खमीर का मिक्सचर बना के रखा था वो उसमें ऐड कर दिया है और एक अंडा जो फेंट के रखा था पीले रंग के साथ उसको भी मैंने इसमें शामिल कर दिया अब हम इसकी डो बना लेंगे सॉफ्ट सी और फिर उसको दो घंटे के लिए हम गर्म और अंधेरी जगह पे रख देंगे खमीर ताकि अच्छी तरह से ये हो जाए डो दो घंटे बाद हम एक एक खाने का चम्मच तेल लेंगे और दो डो दो को दोबारा से गूँना शुरू कर देंगे उसके बाद अगर आप बड़े साइज़ के ब्रेड भी बंस बना रहे हैं तो आप इसको चार हिस्सों में तकसीम कर लें अगर आप थोड़े छोटे साइज़ के बना रहे हैं तो आप इसको आठ में भी डिवाइड कर सकते हैं इसको हम रोल करेंगे मैंने चार हिस्सों में डिवाइड किया है इसको अब हम इसमें और मैंने मुख्तलिफ किस्म के इसको शेप्स दिए हैं दो मैंने इसको बन के शेप दिए हैं और दो मुख्तलि किस्म के ब्रेड हैं ब्रेड की शेप्स हैं तो सबसे पहले यहाँ आप अभी वीडियो पे बंद जो मैंने जिस शेप दी है वो देख रहे हैं पहले हम इसको इस तरह से राउंड करेंगे जैसे आप देख रहे हैं वीडियो में उस पर उसके बाद मैंने इस पर न्यूटेला चॉकलेट स्प्रेड डाला है आप इसमें कोई सी भी चॉकलेट डाल सकते हैं ज़रूरी नहीं है कि मेल्टेड चॉकलेट हो हाट चॉकलेट भी डाल सकते हैं उसके बाद हम इसको बंद करके अच्छी तरह से इसको राउंड कर लेंगे इस तरह मैंने दो बन बनाए और दूसरे दो मैंने दूसरे किस्म के डिज़ाइन दिए जो कि आप आगे वीडियो में देखेंगे उसके लिए मैंने इसको रोल किया पहले और उसके हम साइड से इसको मैं इसको बेसिकली हम कहते हैं वुल शेप ऊन की तरह की शेप तो इसको आप किसी भी नाइफ की मदद से या आपके पास केक का डेकोरेशन के जिस तरह मैं यूज़ कर रही हूँ उसमें इस तरह का एक होता है आप वो यूज़ कर सकते हैं या सिंपल छुरी यूज़ कर सकते हैं उससे इसके साइडों पे हमें कट लगाने हैं और इसको इस तरह जिस तरह आप वीडियो में देख रहे हैं इस तरह हम फोल्ड कर देंगे तो ये एक डिज़ाइन रेडी हो जाएगा नेक्स्ट टेक्निक में भी इसे हमें रोल करना है और ये फ्लावर शेप हमें देनी है इसको हम ट्विस्ट करके बनाएंगे दोनों साइड से बहुत ही इजी है और बहुत ही अच्छी और डिफरेंट शेप के साथ आपका बंद आप बंद बन बना सकते हैं मैंने चार बंद बन बनाए हैं आप इससे ये बड़े साइज के बंद थे आप इसको आठ हिस्सों में भी डिवाइड करके छोटे साइज के बंस बना सकते हैं इसको अब हम फिर रखेंगे आधे घंटे के लिए रूम टेम्परेचर पर ही आधे घंटे के बाद आप देख रहे हैं कि ये थोड़े से और फूल गए हैं साइज में अब हम एक अंडा जो है उसको फेंटेंगे अच्छी तरह से और इसको एग वॉश करेंगे ताकि इसके ऊपर अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए आप चाहें तो इसमें ऊपर से तिल भी डाल सकते हैं और इसको हम बेक करेंगे 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 25 से 30 मिनट के लिए प्रीिकटेड ओवन में उसके बाद आप देख रहे हैं कि ये दोनों साइड ऊपर की और नीचे की अच्छी तरह से पक चुकी है बहुत सॉफ्ट बन रेडी हो चुके हैं और एग वॉश की वजह से ऊपर कितना अच्छा सा कलर भी आ गया है नेक्स्ट स्टेप ये ऑप्शनल है अगर आप ऊपर इसके बटर लगाना चाहते हैं तो लगाएं मैंने ऊपर हर बन के ऊपर जो है वो जब ये थोड़े से गर्म ही थे तभी मैंने बटर अच्छी तरह से लगा दिया अच्छे टेस्ट के लिए ये ऑप्शनल है अगर आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं उसके बाद इसमें आइसिंग शुगर स्प्रिंकल करी है और हमारे बहुत ही सॉफ्ट से न्यूटेला बंस रेडी हैं अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो उसे लाइक और शेयर करना मत भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर आपको रिटर्न रेसिपी चाहिए तो वो वीडियो के एंड में आप से स्क्रीन स्क्रीनशॉट ले सकते हैं थैंक यू